प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। स्पष्ट दक्षिणी प्रवाह, नाल सरोवर रामसर स्थल या फिर पक्षी अभयारण्य की अवस्थिति, अरब सागर में मुहाना, ऐतिहासिक महत्व। उपर्युक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन के संबंध में सही है? साबरमती, अलप्पुझा, माही, शरावती। साबरमती नदी अरावली पहाड़ियों के पास से निकलती है और दक्षिण की तरफ बहते हुए नर्मदा और माही की तरह खंभात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। जल विभाजक की दिशा के कारण साबरमती दक्षिण या दक्षिण पश्चिम में बहती है। इसमें बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों में शामिल हैं वाकल, हरनव, हाथमती, खारी और वत्रक। दाईं तरफ से मिलने वाली नदियों में शामिल हैं सेई, सिरी और धमनी। साबरमती से पश्चिम में कुछ दूरी पर नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य है, जो कि एक रामसर साइट है। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने पहला आश्रम 1915 में अहमदाबाद के कोचरब में स्थापित किया था, जिसे 1917 में साबरमती नदी के किनारे शिफ्ट कर दिया गया था। इसलिए इस सवाल का उत्तर ऑप्शन ए है, यानी साबरमती।